चीन की आबादी को अब पार कर चुकी है और देश दुनिया में भारत जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। जनसंख्या को लेकर के आप बार बार सवाल उठाते रहे हैं, क्या कहना है इस रिपोर्ट के बाद? मेरा व्यक्तिगत राय आज लगभग लगभग 20 साल से हम इस विषय को उठा रहे हैं। जब मैं फिर बिहार में जब मैं मंत्री बना तो मेरी बातों को सरकारी तौर पे नकार दिया गया। इसे हिंदू और मुसलमान से देखा गया, ये हिंदू और मुसलमान के चश्मे से बढ़ती हुई आबादी को देखने वालों के लिए मेरा आग्रह है, तुम राजनीति करें, तुष्टिकरण करें, लेकिन बढ़ती हुई आबादी भारत के होलिस्टिक विकास के लिए खतरा है। हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे पास जमीन मात्र 2% 2.5% कहते हैं लेकिन अब तो श्रिंक कर गया, पानी 3 से 4% है और आबादी हम चाइना से अधिक हो गए। चाइना को सुपर मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशन ने कहा है। आज देश के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ओवैसी कहते कि धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं आबादी के नाम पर, डरा नहीं रहा हूं। आज देश में लगभग 150 जिले हैं जहां की फर्टिलिटी रेशियो बढ़ गया है। किन की आबादी है ये आबादी? उन्हीं की है जो दर्जन बच्चा पैदा करते हैं, एक खास समुदाय के। ये अगर अभी भी पूरे देश पक्ष और विपक्ष, क्योंकि मोदी जी कोई भी कदम उठाएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्ष उसका विरोध करेगा। ये जब जीएसटी में कर गए तो और किस चीज में छोड़िए। इसलिए आज पूरे देश के लोगों को शपथ लेना है, आखिर ये बच्चे कहां पैदा ले रहे हैं, किसके घर में पैदा ले रहे हैं? अगर हमारे पास जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगा तो आने वाले दिन में हमारे लिए संकट पैदा होगा। दादा, जब आप ये सवाल उठाते हैं तो और विपक्ष के लोगों के पास जब हम ये सवाल लेकर के जाते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार 9 साल से केंद्र में है, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ कानून की जरूरत है या अवेयरनेस की भी जरूरत है? कानून के साथ साथ अंदर में भारत माता के प्रति, भारत के प्रति एक समर्पण की भी जरूरत है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, देश के बहुसंख्यकों ने, देश के सिखों ने, देश के जैनियों ने, देश के बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने, इन लोगों ने मान लिया है जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने घर में। लेकिन एक समाज है जो मानने को तैयार नहीं है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने आईना दिखाने का काम किया है, अब आज भी चेते हैं। तो कड़े कानून लाएगी सरकार से? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी अच्छे कानून लाते हैं तो भी विरोध होता है, जनसंख्या पर तो पहले ही से विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरे राजनीतिक दलों को, पूरे देश को इस पर एकजुट होना चाहिए, देश के विकास के लिए। क्या आप नहीं चाहे, आज खुशी नहीं मना रहे हैं जब भारत की इकोनॉमी इंग्लैंड से ऊपर हो गया? क्या 79 में अगर चाइना नहीं लाया होता तो चाइना की जीडीपी हमसे नीचे था? आज उसने 61 करोड़ आबादी को रोकने का काम किया, मैं ये कह रहा हूं। एक सवाल और दादा है, मध्य प्रदेश सरकार का एक फैसला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके ये बात की जानकारी दी है कि जितने भी राज्य में अनमैप्ड मदरसे हैं जहां पर कि उनका कहना है कि धार्मिक कट्टरता या उन्माद की पढ़ाई कराई जाती है, उन सब की मैपिंग की जाएगी और उन सबको के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है,
इसमें धर्म फिर धर्म आड़े आ जाएगा। फिर जिन्नक के जो डीएनए वाले लोग हैं वो तुरंत चिल्लाने लगेंगे, और उसमें एक सुपर है डीएनए, उनका नाम है ओवैसी, वो तो और चिल्लाएंगे। क्या मुसलमान के बच्चों को चांद पर जाने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें ज्ञान और विज्ञान? अरे भाई, आप एक हाथ में कंप्यूटर दो, एक हाथ में धर्म दो, लेकिन आप तो केवल धर्म का नशा पिलाते हो। आज मैं शिवराज सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिवराज जी ने, जब योगी जी ने किया था तो भी लोगों ने हल्ला मचाया, अवैध मदरसों को ऊपर रोक लगाने का काम किया, अवैध, जब आसाम के मुख्यमंत्री ने किया, ये मुसलमान के बच्चों के विकास के लिए है, न कि धर्म के विकास के लिए।